सबसे पहले तो हरे कृष्णा सभी को। दो लाइन से मैं परिचय देना चाहूंगी अपना, कि पन्नों पर बिखरा सूफियाना सा अल्फाज हूं मैं, पन्नों पर बिखरा सूफियाना सा अल्फाज हूं मैं, अब किसी बंधन में नहीं आजाद हूं मैं। अब ज्यादा कुछ मतलब बड़ा बड़ा तो नहीं लिख पाती हूँ, छोटे मोटे ख्याल लिखती हूँ, तो कुछ ख्याल देखिएगा आप, और ये शायद विवेक सर समझ पाएंगे कि क्योंकि वो गज़ल वगैरह सब लिखते हैं ना, हम तो अभी नए नए तो कि मिसरा मतला और गज़ल, मिसरा मतला और गज़ल तो अपने बस की बात नहीं, मिसरा मतला और गज़ल तो अपने बस की बात नहीं, मुझे तो बस वो ख्याल लिखना है, रोते रोते उसकी आँख में आ जाता है, मुझे वो पलक का बाल लिखना है, रोते रोते जो उसकी आँख में आ जाता है, मुझे वो पलक का बाल लिखना है, वो क्यों दूर है मुझसे, मुझे ये सवाल लिखना है, वो क्यों दूर है मुझसे, मुझे ये सवाल लिखना है, अपना तो अपना मुझे उसका भी हाल लिखना है, और मुझे लिखना है उसे खूब ज़्यादा, मुझे लिखना है उसे खूब ज़्यादा, मुझे उसको बवाल लिखना है, मुझे उसको बवाल लिखना है। और यहाँ पर सब रिलेट करेंगे आई थिंक, बाद में बताइएगा हैंड रेस करके कि किस किस के है वो खुश नसीबी जिससे वो नवाजे गए हैं, कि उसकी नाक पर एक तिल है, उसकी नाक पर एक तिल है, मुझे उस चंद्रबिंदु का काल लिखना है, मुझे उस चंद्रबिंदु का काल लिखना है। चंद्रबिंदु यहाँ पर इसलिए कहा है कि हमारे लिए तो वो तिल चांदी जैसा है, इसलिए चंद्रबिंदु का है, वैसे वो बिंदु ही होगा। आगे देखिएगा कि जैसे ही हम दोनों के बीच हो जाता है कुछ, जैसे ही हम दोनों के बीच हो जाता है कुछ, तो जहन में कुछ बेचैनी सा उठता है, तो जहन में कुछ बेचैनी सा उठता है, मुझे वो मलाल लिखना है, मुझे वो मलाल लिखना है। और उसके मुंह फेरते ही एक आंधी सी आती है, उसके मुंह फेरते ही एक आंधी सी आती है, मुझे उस आंधी के बाद का तूफान लिखना है, मुझे उस आंधी के बाद का तूफान लिखना है। और आगे देखिएगा कि उसकी छत पर जो आता है देखने उसे, उसकी छत पर जो आता है देखने उसे, मुझे वो चांद लिखना है, अगर जो ना मिल पाए हम तो क्या होगा, अगर जो ना मिल पाए हम तो क्या होगा, मुझे वो अंजाम लिखना है, मुझे वो अंजाम लिखना है। और ऐसे ही समझ जाए वो तो ठीक है, ऐसे ही समझ जाए वो तो ठीक है, नहीं तो उसे सरेआम लिखना है, नहीं तो उसे सरेआम लिखना है। और उसकी आंखों में देखकर एक ख्याल आता है, उसकी आंखों में देखकर एक ख्याल आता है, मुझे वो ख्याल लिखना है, उसकी हथेली पर कोई ना ढूंढ पाए ऐसा अपना नाम लिखना है, और मेरे नाम से जुड़ा है उसका नाम, मेरे नाम से जुड़ा है उसका नाम, फिर भी मेरे नाम के आगे उसका नाम लिखना है, फिर भी मेरे नाम के आगे उसका नाम लिखना है। और कुछ आखिरी पंक्तियाँ देखिएगा इस ख्याल की, कि वो तो मेरी जान सुतरा है, सुतरा से यहाँ पे जो टेढ़े वाले सीधे होते हैं, कि वो तो मेरी जान सुतरा है, और अब मैं इसमें बहुत और जोड़ दी, कि वो तो मेरी जान बहुत सुतरा है, मैं तो शायर हूँ, और क्योंकि मैं शायर हूँ तो फिर मुझे खुद को ही बदनाम लिखना है, तो फिर मुझे खुद को ही बदनाम लिखना है। और एक मेरा चार लाइन का शेर देखिएगा, अभी अभी लिखना स्टार्ट किया है तो इतना नहीं है, बट देखिएगा कि कमाल कहाँ है अभी, जाने कितने मुकाम अभी बाकी हैं, कमाल कहाँ है अभी, जाने कितने मुकाम अभी बाकी हैं, चाहत है मुझे जिंदगी में जिंदगी की, बहुत कमाल अभी बाकी हैं। थैंक यू सो मच।